Dear student, welcome to online study classes UPRTOU. Subject MAPS 109, Theory of International Politics, Unit 15, Foreign Policy of the Britain. I am Kamna Yadav, Assistant Professor, Uttar Pradesh, Rajesh Tandon, Mukt Vishwavidyalay, Prayagraj. तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य. उद्देश्य में सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश विदेश नीति के आधार निर्माण प्रक्रिया से अवगत होना, अन्य देशों के साथ ब्रिटेन के संबंध. अगला, यूरोपीय संघ के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश भूमिका से अवगत होना, भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों से अवगत होना. इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना. प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली संपन्न व सबसे बड़ा साम्राज्य का स्वामी देश था. उसके विदेश नीति का मुख्य आधार था कि ब्रिटेन की समुद्र में सर्वोच्चता बनाए रखी जाए. कोई भी देश ब्रिटेन में आक्रमण करने में असफल रहा है तो उसका लक्ष्य यह था कि हम जो है समुद्र में अपनी जो है वर्चस्व स्थापित करेंगे. वर्चस्व स्थापित करने से कोई भी राष्ट्र हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ब्रिटेन का ऐसा मानना था. इसके बाद कहा जाता था कि ब्रिटेन वालों समुद्र पर शासन करो, तुम कभी गुलाम नहीं होगे. इसके बाद वायुयानों अणुबमों के विकास के कारण इसका महत्व समाप्त हो गया. तो यही कहना था कि ब्रिटेन वालों तुम समुद्र पे जो है राज करो और तुम कभी गुलाम नहीं होगे. मतलब कहने का कि समुद्री शक्ति जैसे नौसेना आदि इसका जो है विस्तार किया जाएगा और समुद्र की शक्ति को हम यदि बढ़ाते रहेंगे, शक्तिशाली बने रहेंगे तो हमारे देश पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता. लेकिन जैसे ही अणुबमों वायुयानों आदि आविष्कार हो गया तो ये जो पहले की पुरानी अवधारणा थी कि समुद्र की शक्ति मेन शक्ति होती है, मेन पावर होता है, तो वो अवधारणा कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देती है. और जो है फिर अणुबमों आदि का प्रयोग किया जाने लगा था. इसके बाद ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने यह सिद्धांत अपनाया कि किसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए कि वह ब्रिटेन के लिए खतरा बन जाए. ब्रिटेन ने शक्तिशाली राष्ट्रों का विरोध करके अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा. तो ब्रिटेन की विदेश नीति में यह था कि हम अपने टक्कर देने वाले को जो है नेस्तनाबूत कर देंगे और किसी भी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देंगे जिससे कि वो हमें चुनौती पेश करे. तो वो जो है अपनी हमेशा शक्ति का विस्तार करता रहा है और बहुत से राष्ट्रों को उसने जो है गुलाम भी बना रखा था. मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वो अपने उपनिवेश भी स्थापित कर रखे थे उसने. इसके बाद लॉर्ड पामिस्टन व डिजराइली का कथन था कि विदेश नीति में कोई भी राष्ट्र स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है बल्कि स्थायी स्वार्थ होता है. ब्रिटेन ने सदैव ऐसी नीति अपनाई जिससे उसका साम्राज्य व्यापार तथा शक्ति में विस्तार होता रहे. तो डिजराइली पामिस्टन का ये कथन था कि विदेश नीति में कोई भी राष्ट्र किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता है, स्थायी हित होते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति होते हैं. अगर हम अपने स्थायी हितों की पूर्ति करेंगे, स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, स्वार्थ का मतलब है अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल करते हुए अपनी विदेश नीति का पालन करेंगे, विदेश नीति को बनाएंगे, तो हमें जो है अपने शक्ति को हम जो है वृद्धि कर पाने में सफल रहेंगे और जो है अन्य देश को हम डोमिनेट करने में सफल हो पाएंगे. इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश विदेश नीति के आधारभूत तत्व. तो इसमें देखते हैं कि आधारभूत तत्व क्या क्या हैं. इसमें ब्रिटिश विदेश नीति के निर्माण में विदेश विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल देश के लिए विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों और आधारों का निरूपण करता है. अपनी अर्थव्यवस्था को निरंतर गति देने के लिए अमेरिका की ओर झुकाव रहता है. अगला है यूरोपीय एकीकरण के बाद वर्तमान में आतंकवाद का विरोध करना ब्रिटिश नीति का मुख्य लक्ष्य बन गया है. अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक ब्रिटेन की विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू परिस्थितियों तथा वर्तमान नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
अगला है विस्टन चर्चिल, मैकमिलन, हेराल्ड विल्सन, मार्गेट थ्रेचर, टोनी ब्लेयर को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ब्रिटिश नीति का मुख्य प्रणेता माना जाता है। तो ब्रिटिश की जो विदेश नीति थी, तो विदेश नीति का जो निर्धारण किया जाता है, विदेश नीति बनाई जाती है, तो वह विदेश नीति बनाने में प्रमुख हाथ होता है विदेश नीति विभाग का। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो अपने देश के हितों का ही प्रमुख रूप से ध्यान रखते हैं। तो जिसमें से वो ये भी देखते हैं हमको अन्य देशों से किस प्रकार से संबंध बनाए रखने चाहिए, इसलिए ताकि हमको जो है भविष्य में और वर्तमान में हमको जो है दूरदर्शी नीतियों का हमको अपनाना चाहिए, ताकि जिससे जिस भी देश से हमको लाभ मिले और जो है जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन की खपत होती है, उद्योग धंधों का माल खप रहा है, तो हमें जो है उन देशों से मित्रवत होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री उद्योग धंधे तभी जो है आगे ग्रो कर सकते हैं जब उसके माल की खपत होती है और बने हुए माल की खपत होती है। यदि कोई भी इंडस्ट्री का बना हुआ माल अगर डंप होगा तो उस देश के विकास की गति जो रुक जाएगी। तो यही देखा जाता है कि विश्व में कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत है। तो भारत से इसीलिए भारत में जो है जनसंख्या की अधिकता है, इसीलिए कोई भी राष्ट्र भारत को जो है मित्र के रूप में ही रखना चाहता है, क्योंकि भारत में उनके प्रोडक्शन के माल की खपत अधिक होती है। इसके आगे हम देखते हैं ब्रिटिश विदेश नीति। तो ब्रिटिश विदेश नीति क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एक कमजोर शक्ति के रूप में उभरा। वह आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। अन्य देशों में अपने फैले साम्राज्य को हटा लिया क्योंकि ज्यादा दिनों तक अन्य राष्ट्रों में अपने प्रभुत्व को कायम रख पाने में असमर्थ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बहुत ही महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है वैसे ही ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो जाती है, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो जाता है। उसने जहाँ जहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाया था, भारत को भी उपनिवेश बनाया था, अन्य देशों को भी उपनिवेश बनाया था, वहाँ पे अपने साम्राज्य को विस्तार दे पाने में असमर्थ हो गया था और जो है साम्राज्य को बनाए रखने में भी असमर्थ हो गया था। तो अपने साम्राज्य को उसने जो है समेट लिया और जो है देशों को जो है मुक्त कर दिया, उपनिवेशता की स्थिति से जो है मुक्त कर दिया। तो और उसने जो है अपने आप को फोकस करना शुरू कर दिया, अपने आप को जो है ग्रोथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने लगा था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो जो है इंग्लैंड एकदम कमजोर राष्ट्र के रूप में उभरता है और उसकी जो है मेन समस्या ये हो जाती है कि अपने देश को जो है किस प्रकार जो है विकास के रास्ते में आगे ले जाया जाए, अपने देश के विकास पे फोकस किया जाए और साम्राज्यवाद की स्थिति को त्याग करके उसने अपने ही देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति देने के लिए साम्राज्यवाद की नीति जो है त्याग दिया था। इसके बाद हम देखते हैं उसने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता के लिए स्वयं को केंद्रित किया। इसके लिए उसको अमेरिका के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता थी, इसलिए ब्रिटेन ने अपने विदेश नीति का मुख्य आधार अमेरिका का समर्थन करना बना लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय ब्रिटेन महाशक्तिशाली देश के रूप में था, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो वैसे ही वो कमजोर राष्ट्र की भूमिका में आ जाता है, कमजोर स्थिति अपने आप को देखता है, पाता है। इसके बाद अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में उभरता है। तब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड बड़े भाई की भूमिका में रहता है, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जो है अमेरिका जो है महाशक्ति के रूप में उभरता है, ब्रिटेन कमजोर हो जाता है, तो अमेरिका पूरे विश्व में बड़े भाई की भूमिका निभाने लगता है और बड़े भाई को जो है के छोटे भाई के रूप में बनना स्वीकार कर लेता है ब्रिटेन और अमेरिका को पूर्णतः सहयोग मित्रवत रहता है।
अमेरिका के साथ सहयोग की भावना रखता है और अपने विदेश नीति का आधार बनाता है कि हम अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे और एक छोटे भाई की भूमिका में हम हमेशा तत्पर रहेंगे, अमेरिका के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे और अमेरिका के जो शत्रु होंगे हम शत्रुवत रहेंगे, जो मित्र राष्ट्र होंगे अमेरिका के हम उनसे मित्रता करेंगे। तो ब्रिटेन ने जो है अपनी यही विदेश नीति का आधार बना लिया था, क्योंकि अपने ही राष्ट्र को उसको फोकस करना था, अपने राष्ट्र के विकास को जो है बढ़ावा देना था। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका का समर्थन करना बना लिया। ब्रिटेन ने अमेरिका से मार्शल योजना के अंतर्गत पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त की। इसके बाद नाटो सैन्य संगठन में शामिल होकर ब्रिटेन ने खुला अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन कर लिया। 1963 में मास्को परमाणु अप्रसार संधि पर ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए। अमेरिका के साथ सहयोग करते हुए ब्रिटेन ने अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण को अपनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ये भाई भाई की भूमिका में हो गए, और 1963 में जब अप्रमाण प्रसार की संधि हुई तब इन्होंने जो है ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया और जो है शांतिपूर्ण सहयोगात्मक रवैया अपनाने का प्रयास किया और मार्शल प्लान बनाया, जो कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग परिषद संघ है। तो उसके तहत अमेरिका से उन्होंने सहयोग प्राप्त किया, आर्थिक सहयोग प्राप्त किया। इसलिए आर्थिक सहयोग प्राप्त किया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई थी, आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी, उसको जो है सही करने के लिए उसने जो है अमेरिका से मदद, आर्थिक मदद लिया और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कभी भाग नहीं लिया, इसलिए हमेशा से ही अमेरिका की स्थिति मजबूत रही है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं ये देखने का हम प्रयास करते हैं। ब्रिटेन के संबंध साम्यवादी देशों को छोड़कर पूंजीवादी देशों से अत्यधिक घनिष्ठ हैं। ब्रिटेन के संबंध जो है पूंजीवादी देशों से घनिष्ठ है, लेकिन साम्यवादी देशों से उतने घनिष्ठ नहीं है। इसका कारण, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि अमेरिका के नक्शे कदम पर उसको चलना है और एक छोटे भाई की भूमिका को निभाना है। अमेरिका के जो राष्ट्र मित्र हैं वो मित्र रहेंगे और जो अमेरिका के राष्ट्र शत्रु हैं तो वो शत्रु ही रहेंगे। तो ब्रिटेन ने यही अपनाया क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था, तो पूंजीवादी अमेरिका पूंजीवाद का प्रसार करना चाहता था, ब्रिटेन जो है तो पूंजीवादी देशों का समर्थन करता रहा। और जैसे रूस है, चाइना है, तो साम्यवादी देश, इनसे जो है ये विरोधी गुट थे अमेरिका के। तो अमेरिका से दूर रहने के लिए, अमेरिका से घनिष्ठता स्थापित करने के लिए और जो है एक उसका स्थायी मित्र बनने के लिए ब्रिटेन ने हमेशा अमेरिका के विरोधियों से दूरी बनाए रखा तथा मित्रों से उसने जो है करीबी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने भारत को उसकी संप्रभुता सौंप दी। तब इसके बाद अब तक भारत और ब्रिटेन के संबंध अच्छे ही रहे हैं। तो 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ था, ये जो कि इंग्लैंड का जो है उपनिवेश था, तो उपनिवेशवाद को छोड़ते हुए ब्रिटेन ने भारत की संप्रभुता को भारत के हाथों सौंप दिया और भारत को जो है आज़ाद कर दिया। भारत ने 1947 में आज़ादी पाई। इसके बाद वह स्वयं संप्रभु होता है। संप्रभु का मतलब होता है कि अब हमारे देश पर किसी बाहरी व्यक्ति की, बाहरी शक्ति का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा और हम अपने आप में संप्रभु रहेंगे, कानून आदि बनाने के लिए हम जो है शक्तिशाली रहेंगे और उस पर अन्य देशों का हस्तक्षेप नहीं होगा और हम आंतरिक एवं बाह्य रूप से हम जो है सर्वोच्च रहेंगे। तो संप्रभुता प्राप्त करने के बाद भारत जो है आज़ाद हो गया। और जब भारत आज़ाद हुआ, भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था तभी तक भारत की जो है यही मांग रहती थी ब्रिटेन से कि हमें जो है आज़ादी दे दिया जाए और हमें संप्रभुता चाहिए और जो है और हमारी जो है आपसे कोई वैमनस्यता नहीं है और किसी भी बात में कंट्राडक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है। तो जैसे ही 1947 में हम आज़ाद हो जाते हैं, हमारा देश आज़ाद हो जाता है,
तो ब्रिटेन के साथ बहुत ही मधुर संबंध बन जाते हैं और राष्ट्रमंडल का सदस्य जो कि ब्रिटेन ने इसका गठन किया है और राष्ट्रमंडल में जितने भी उपनिवेश देश हैं तो वो भी बहुत ही सहयोगात्मक पूर्ण रवैया से जो है एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग करते हैं और सभी कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस प्रकार अपना अपना प्रतिभाग करते हैं तथा एक होने का जो है हमेशा अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। तो राष्ट्रमंडल का भारत भी सदस्य है और जो खेलों का आयोजन भी होता है खेलों में भारत प्रतिभाग भी करता है तो हमेशा भारत ये भी दिखाता है कि हम जो है ब्रिटेन से जो है करीब हैं और ब्रिटेन से हमारी जो है कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई भी शत्रुता नहीं है। अब ब्रिटेन और हम भारतवासी, भारत देश के लोग जो है क्या हैं, करीबी हैं और जो है हम कोई भी हम लोगों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। इसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध के समय ब्रिटेन ने पाक का समर्थन किया था तो 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन ने पाक का समर्थन किया था। क्यों किया था? क्योंकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया था। अमेरिका के नाटो सैन्य गुट में ब्रिटेन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, तो अगर उसके सैन्य गठबंधन वाले देशों पर कोई ऐसी आंच आती है तो अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, तो चाहे वो न्याय हो चाहे अन्याय हो। तो बात यही थी क्योंकि सैन्य गुट में पाकिस्तान शामिल था और जो है वो पाकिस्तान अन्याय कर रहा था, फिर भी पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका खड़ा था, अमेरिका का छोटा भाई ब्रिटेन था, इसीलिए अब ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान का ही समर्थन किया था। तो ये भारत के लिए जो है विचारणीय विषय हो गया था। भारत को ये लगा कि हम तो यही सोचते थे कि हमारे और जो है ब्रिटेन के बहुत ही मधुर संबंध हो गए हैं, अच्छे संबंध हैं, गुलामी के बाद हम जो है अच्छे संबंधों में ढल गए हैं, लेकिन 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है वास्तविकता समझ में आई, तब भारत ने भी दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इसको जो है एनालाइज किया ब्रिटेन ने और अपनी भूल और गलतियों को सुधारते हुए जब कश्मीर की समस्या का मामला आया सामने, तो कश्मीर की जब समस्या आई और भारत ने जो है ये सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संयुक्तों में इस मामले को उठाया, तब बहुत से देशों ने भारत का समर्थन किया, जो उनमें से एक ब्रिटेन भी था, भारत को उसने जो है सपोर्ट करने का निश्चय किया। निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास मामलों में ब्रिटेन भारत के साथ मित्रवत रिश्ते हैं। तो निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद की समस्या को हल करना, पर्यावरण आदि मुद्दों पर जो है भारत और ब्रिटेन जो है आपस में एक दूसरे के मित्रवत हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि जो आतंकवाद की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, ये किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरे विश्व की है। तो इस समस्या से एकजुट होकर के विश्व के सभी देशों को जो है एकजुट होकर के उससे उसको चुनौती देना है, तभी जा कर के उसको सफलता प्राप्त हो सकती है, वरना सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ब्रिटेन और भारत के संबंध अब एकदम अच्छे चल रहे हैं, मधुर चल रहे हैं और ब्रिटेन ने भी यह समझ लिया कि हमको जो है अन्याय का साथ नहीं देना है, क्योंकि अगर विश्व स्तर पर कोई बात जाती है, यूएनओ में बात जाती है बात, तो अगर इस प्रकार से हम जो है कोई राष्ट्र अगर गलती कर रहा है उसका हम जो है सपोर्ट करेंगे तो पूरे विश्व बिरादरी में हमारी जो है इमेज डाउन होगी और पूरे विश्व में यही बात जाएगी कि जो है पाकिस्तान के समर्थन करने वाले राष्ट्र जो है उनकी पाकिस्तान की कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की इमेज डाउन ना हो इसलिए इस नीति का अमेरिका तथा ब्रिटेन ने त्याग कर दिया है और जो है बड़े भाई की भूमिका में और न्यायपूर्ण जो है भूमिका में अब रहता है। सारांश देखते हैं। ब्रिटिश विदेश नीति समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घटित अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र ने ब्रिटिश विदेश नीति में भारी परिवर्तन किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन महाशक्ति का दर्जा खो चुका है।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी विदेश नीति में बहुत भारी परिवर्तन किए हैं। परिवर्तन का मतलब कि उसने जो है साम्राज्यवादी नीति पहले अपनाता था, तो अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्याग करके उसने जो है अपने देश और यूरोपीय संघ पर जो है फोकस करने का प्रयास किया है और अमेरिका को जो है बड़े भाई की कमान को सौंप दिया है, लीडरशिप अमेरिका के हाथों में दे दिया है और छोटे भाई की भूमिका में अपना स्वयं ब्रिटेन रहता है। इसके बाद अमेरिका की महाशक्ति बनने के बाद ब्रिटेन उसके सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, व्यापार संधि को बढ़ावा, अन्य राष्ट्रों के साथ सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण आदि की समस्या को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन प्रयासरत है। तो अमेरिका के महाशक्ति बनने के बाद ब्रिटेन उसके छोटे भाई की भूमिका में है और पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत है और आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण आदि की समस्याओं से निपटने के लिए जो है प्रयासरत है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, यूनो का जो है पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और इसके बाद अन्य राष्ट्रों में जैसे भारत है और भी मित्र राष्ट्र जो भी हैं, तो वहाँ पे अंतरिक्ष में, विज्ञान क्षेत्र में, बहुत से ढेर सारे क्षेत्रों में जो है निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कि अमेरिका की विदेश नीति है और अमेरिका की विदेश नीति की तरह ही मिलती जुलती ब्रिटेन की भी विदेश नीति है और उसने जो है पक्षपाती रवैया अपनाना छोड़ दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ब्रिटेन और अमेरिका की जो है इस तरह से इमेज डाउन ना हो, अपनी इमेज को बरकरार रखे, बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं और जो है न्यायपूर्ण तरीके से की अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।